जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आपने गाने के बोल सुन लिए, मेरा गुनगुनाना भी सुन लिया। जी हाँ, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस में, ये अजब गजब दुनिया है। यस, अजब गजब दुनिया है। शकील जी की जज्बाती भूलों को रवि साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से, जज्बात के साथ, जज्बाती धुनों के साथ पिरोया है। स्वर देखिए, आलाप देखिए, आरोह देखिए, अवरोह देखिए, गाने का लय देखिए, टेम्पो देखिए, और देखिए शब्दों को, जिस तरह से शब्दों को लिखा गया है और धुन को तैयार किया गया है। स्वर को ऊंचाइयों पे ले जाकर उसी रेंज पर नीचे सहलाते हुए, बहलाते हुए प्यार से लाना और गाना रफी साहब को खूब आता है। मास्टरी है, पीएचडी किया हुआ है उन्होंने। फूल से काटे भी अच्छे एक नया धोखा है, लाइनों को पढ़िए। किस शख्स की तारीफ करूं, गीत लेखक की, संगीतकार की या गायक की, ये समझ से पड़े है। मुझे समझ में नहीं आता जब मैं ऐसे गीत सुनता हूं या गुनगुनाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे जहन में ये बातें आती नहीं है कि किसकी तारीफ करूं, क्योंकि इस पर मेरी मास्टरी नहीं है। हाँ, यह जरूर कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब का यह गीत मैंने पढ़ा है, बहुत लोकप्रिय था और इसे दो भागों में रिकॉर्ड किया गया था। दो भागों की कुल लंबाई 6 मिनट की थी। उन दिनों मैं अक्सर इस गीत को सुनता, रोता, गाता और सुनाता। जी हाँ, गीत को सुनकर रोता भी था, क्योंकि इस गीत में जो शब्द हैं मुझे हिंदी बचपन से आती थी, इसलिए मुझे पता है कि क्या लिखा गया है। रूह कांप जाती, अंदर से मैं हिल जाता। हालांकि फिल्म उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, लेकिन शम्मी कपूर की अदा के कारण लोग जरूर सिनेमा हॉल तक गए, क्योंकि शम्मी कपूर का अपना एक अंदाज था, लोग उन्हें पसंद करते थे, उनकी एक स्टाइल थी, गाने के बोल के साथ उनका जो शरीर का रेंज, रिदम, डांस करता था, वो देखने लायक था। चेहरे पर वो भाव लगता था कि वही गा रहे हैं। इस बात पर गर्व है कि रफी साहब ने हमारे मुल्क में इतने सारे तरह के गाने गाए, स्वयं एक रत्न है। भारत रत्न मत दीजिए, वो स्वयं रतन है। मैं यहाँ पर एक लाइन गुनगुना चाहता हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। जी हाँ, हमें रफी साहब के रूप में एक राम रतन धन मिल गया। अगर मैं कहूँ कि रफी साहब 8वां अजूबा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि रफी साहब एक बहुत बड़े गायक के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। जी हाँ, एक अच्छा इंसानी एक अच्छा गायक, अच्छा अभिनेता या उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां पर कलाम जी पहुंचे हैं। कलाम जी की शालीनता देखिए, कलाम जी को देखिए, सीखिए, एक उस स्तर तक पहुंचकर भी उनकी शालीनता देखिए और उनसे सीखिए। जब रफ़ी साहब को इंसानियत का अवार्ड भी मिलना चाहिए, मुझे लगता है जब रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई तो घर के बाहर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से लोग रफ़ी साहब के घर आए और बताया गया कि रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई है। वही लोग कहने लगे कि हम इसलिए आए हैं, मतलब उनसे जब पूछा गया कि आप लोग क्यों आए हो इतनी दूर से, तो वही लोग कहने लगे क्योंकि इस महीने रफ़ी साहब का पैसा हम लोगों तक नहीं पहुँचा। दरअसल वो घर में बिना बताए लोगों की हेल्प किया करते थे। ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्हें वो पैसे भेजते थे
गरीब दुखियारी को सुनते थे और अपने दोस्तों तक पैसे भेजते थे, दान करते थे। यह बात मृत्यु के बाद लोगों को समझ में आई, उनके घर वालों को समझ में आया, उनकी पत्नी को समझ में नहीं आया था कि वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कानो कान इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सच्चे दानी इन्हें ही कहते हैं। रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, यह लोग आज तक समझ नहीं पाए कि क्यों नहीं मिला। हिंदुस्तान की जनता कहती है कि उन्हें भारत रत्न अब तो दे दो, भेदभाव मत करो। मैं समझता हूँ रफी साहब को अभी तक इतना अरसा हो गया, 40 साल हो चुके हैं, रफी साहब को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, मतलब उनके मृत्यु के 40 साल हो गए। शायद इस वजह से कि वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, खासकर भारत जैसे देश में। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज मृत्यु के 4 दशक बाद भी उन्हें लोग याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके गाने गुनगुनाते हैं, स्टेज में उनके गाने गुनगुनाते हैं, उनके गाने गाकर लोग पैसा कमा रहे हैं। सोनू निगम से लेकर पता नहीं कितने लोग हैं जो उनके गाने गाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनकी एक लाइब्रेरी बने, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा मानना यह है कि रफी साहब हिंदू मुस्लिम से बहुत ऊपर थे, बहुत बहुत ऊपर, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इंसान है। शायद इसीलिए हर तबके का इंसान उन्हें दिल और जान से चाहते थे, हर तबके का इंसान उनके गाए गाने सुनते थे और आज भी सुनते हैं, चाहे वो प्यार पर आधारित गीत हो, चाहे वो स्वाधीनता पर गीत हो, चाहे वो कट चले हम पैदा वतन साथी हो या कोई भजन हो, सब। चलो, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं इस गाने के रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताऊंगा, तो इस गाने की रिकॉर्डिंग कैसे हुई इस बात से मैं आज अवगत कराता हूँ। पर्दे के पीछे क्या हुआ था, हुआ ये कि जब रफी साहब का फिल्माइशन हो रहा था, मतलब इस गीत का फिल्माइशन हो रहा था, तो सेट के चारों तरफ लाइटें लगाई गई। आप गाने को देखेंगे तो समझ में आएगा, 5 कैमरे, जी हाँ, 5 कैमरे लगे हुए थे चारों तरफ, क्लोजअप और लॉन्ग शॉट के लिए। तभी अचानक लोड शेडिंग हो गई, उन दोनों लोड शेडिंग बहुत होती थी, सेट पर लोड शेडिंग हो गई सर, सभी लोग घबरा गए। प्रोड्यूसर का घबराना बहुत वाजिब था, क्योंकि पैसा, एक बार अगर एक शूटिंग नहीं होती है तो उन दिनों लाखों तो नहीं खर्च होते थे, लेकिन उन दिनों हजारों का मतलब हजारों होता है। निर्माता निर्देशक इधर उधर भागने लगे कि कैसे शूटिंग पूरी की जाए। गाने की तो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन शम्मी कपूर के होंठ से मिलाना था गाने को, लिप सिंक करवाना था गाने के बोल के साथ, शम्मी कपूर की एक्टिंग को कैमरे में कैद करना था। जब निर्माता निर्देशक इधर उधर भागने लगे तो कैमरेमैन ने निर्माता से कहा, सर आप थोड़ी देर ठहर के साथ रहिए, कुछ हम लोग करते हैं, क्योंकि सब लोग इस गाने से उत्साहित थे। ये गाना इतना बेहतरीन गाना बना था कि पूरा का पूरा यूनिट चाहता था कि ये गाना आज ही रिकॉर्ड हो जाए। सबकी आंखों में आंसू थे, गम थे, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस में, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अजब दुनिया है। तभी लाइटमैन को एक बात सूझी, उन्होंने जनरेटर की व्यवस्था पहले ही करके रखी थी, क्योंकि छोटी मोटी लाइटें जनरेटर से चलाई जाती है, उन दिनों जनरेटर भी नहीं मिलते थे। उन्होंने तुरंत जाके जनरेटर ऑन किया और कुछ हिस्से में लाइटें जला दी, क्योंकि एक जनरेटर का पावर चारों तरफ नहीं बिखर सकता, कुछ एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही पावर जाती है। तो उसने उस लिमिट को बरकरार रखते हुए कैमरामैन ने लाइटें जलाई, जहां से यह आभास हो रहा था कि गम के भंवर में गाना गाते गाते एक्टर फंस गए हैं, उस इलाके में, उस जगह पर उन्होंने लाइटें जला दी। आप गीत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाइटें जो है बहुत मध्यम है, बहुत तेज नहीं है, लग रहा है कॉपी है, लेकिन वो लाइटें हैं। उन्होंने लाइट के सामने शेड लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि वह गम के मारे पहाड़ की तरफ बढ़ गए हैं जहां लाइट नहीं होती। हम सब जानते हैं कि पहाड़ पर लाइट नहीं होती। तो उन्होंने क्या, कैमरामैन ने किस तरह से पत्थरों को लाकर
लाइटिंग करके बनाया। आप वो 5 सेकंड का 7 सेकंड का शॉट होगा, लेकिन उस शॉट को फिल्माने में करीब 3-4 घंटे लग गए। कैमरा ऑन था, कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया गया और गीत का फिल्माइशन हो गया। निर्माता निर्देशक ने रात की सांस ली और कैमरामैन और लाइटमैन को अतिरिक्त पैसे देकर पुरस्कृत भी किया गया था। उसके बाद एडिटिंग टेबल का कमाल देखिए, बीच बीच में सपनों की कटिंग जोड़कर, क्योंकि लाइटें थी नहीं, तो बीच बीच में आप देखेंगे कि सपनों की कटिंग, मतलब उसमें जो उनके दिमाग सपने नहीं, मतलब उनके साथ जो जो घटनाएं घटी हैं शम्मी कपूर के साथ, उन घटनाओं को लेकर थोड़ा 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 करके एडिटिंग टेबल में किस तरह से गाने को बनाया गया है, यही अद्भुत बात है। यही मैं आपको पिछले एपिसोड में बताना चाहता था। इतना बढ़िया बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि उस गाने पर लोगों ने उन दिनों सिनेमा हॉल में बैठकर पैसे फेंके और उस गाने को सुनने के लिए लोग जाते थे केवल फिल्म देखने, क्योंकि उन दिनों टीवी का वो माध्यम नहीं था। हाल में इस गीत पर इतनी तालियां बजी कि कहना मुश्किल है। लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा। इस फिल्म में जितने गाने हैं, जितने गीत हैं, सभी चर्चित हैं, सभी ने एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन इस गीत का कोई जवाब नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस फिल्म में कितने गीत हैं। इस फिल्म में कुल 9 गीत हैं। सोच सकते हैं कि एक फिल्म में 9 गीत अगर हो, अगर एवरेज मिनट 3.5 मिनट का भी पकड़ लें तो 9 गीत में 30 मिनट यानी 35-36 मिनट के गीत हो जाते हैं। रफ़ी साहब के 2 सोलो हैं। एक सोलो है, आपने पिछली बार सुन लिया, जाने बाहर हुस्न तेरा भी मिसाल है। जाने बाहर हुस्न तेरा बेमिसाल है। और दूसरा है जिंदगी क्या है गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में ना मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। और तीसरा गीत है जब तक हम ही हम हैं। तो आपने पिछले एपिसोड में सुना था, मैंने बताया था आपको। एक और गाना है डुएट, आ मेरी जान मुझको लगा ले गले, और 3 गीत आशा ताई के साथ डुएट है। मोहम्मद का नगमा जुमा पर न लाना, दिल तुमको दे दिया जाने जिगर, मेरा दिल आशिकाना है। बाकी दोनों गीत आशा ताई ने ही गाए हैं। तो आपने देखा कि किसी गीत के पीछे कितनी मेहनत होती है, पता नहीं कितने एफर्ट्स होते हैं, किस तरह से गीत का फिल्माइशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि गीत अच्छा नहीं बन पाता या लोगों को पसंद नहीं आता, फिल्म नहीं चलती और उस गीत को लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस गीत को लोग भूल नहीं सकते, फिल्में भले ही उस स्तर पर नहीं चली हो, लेकिन ये गीत आज भी जब भी मंच पर कोई गाता है सुनाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है, मैं गीत का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप गीत को जरूर सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आज बस इतना ही। प्रणाम।